रविंद्र जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, गीतकार, लेखक, नाटककार और चित्रकार थे जिन्होंने साहित्य का उपयोग समाज और व्यक्ति की तस्वीर को चित्रित करने के लिए किया था। टैगोर की दूरदर्शिता ने कई संबंधित भावनाओं को उत्पन्न करने में मदद की, वहीं उनके लेखन ने समाज को आईना भी पेश किया। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो आइए आज हम रविंद्रनाथ जयंती के उपलब्ध पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके गीतों को एक नहीं बल्कि 3 देशों के राष्ट्रगान के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के जनगण मन के अलावा बांग्लादेश का गान आमार सोनार बांग्ला भी टैगोर की रचना थी। श्रीलंका के गान के बोलों का बंगाली में टैगोर के काम से अनुवाद किया गया था। दूसरा, उन्हें एक स्कूल की रूढ़िवादी व्यवस्था पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद जाने से इनकार कर दिया और होम स्कूल किया गया। बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के माध्यम से मुक्त शिक्षण के उनके दृष्टिकोण को साकार किया गया। तीसरा, टैगोर एक उत्साही यात्री थे और उन्होंने 30 से भी अधिक देशों की यात्रा की, विदेशी मानदंडों को अपनाते हुए और भारतीय संस्कृति को प्रसार किया। चौथा, टैगोर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के समकालीन थे। साहित्यकार ने 1930 में वैज्ञानिक से उनके घर पर मुलाकात की और ब्रह्मांड के विज्ञान, परमात्मा, दर्शन और प्रकृति के बारे में बातचीत की। पांचवा और आखिरी, महात्मा गांधी के साथ उनके संबंध परस्पर सम्मान और प्रशंसा के थे। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो एक दूसरे को बेहतर मानते थे, उसका खंडन करने के बावजूद टैगोर ही थे जिन्होंने राष्ट्रपिता को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया।